आप सबको स्वागत है। आज हम 1 जुलाई की शुरुआत में आ पहुंचे हैं। त्याग के बाद ही होती है तपस्या, और त्यागना क्या है हमें? हमें दुनिया के सुख शांति को त्यागना नहीं है। परमा तो कहते हैं हमें दुनिया के अंदर बैठे हुए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्यागना है। 2 रोटी तो सबको पसंद आती है, 2 कपड़े जोड़ी कपड़े भी सबको पसंद आते हैं, लेकिन उसका लोभ करना, वो फिर परमा तो कहते हैं वो तपस्या में भंग करना शुरू कर देता है। इच्छाएं रखना बहुत पैसे कमाने की, ये भी तपस्या में भंग कर देता है। इच्छा रखना कि बहुत ज़्यादा धन दौलत हो, संपत्ति हो, ये भी तपस्या में, वो उन चीज़ों में बुद्धि को उलझा देता है। ये चीज़ें हमें तंग कर देती हैं। इच्छाएं हो कि बहुत सारे दोस्त हों, बहुत सारे साथी संबंधी हों, तो हर एक को टाइम देना, इसमें परमात्मा को टाइम देना मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए त्याग करना है किस चीज़ का, ये हम समझ रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भवन, निरंतर तपस्वी मूर्त। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त, जो भी सेवा आप करते हो, सेवाधारी ये नहीं कि अगर आप घर में ही बैठे हो तो मैं तो सेवा नहीं होती मेरी, घर में बैठ करके भी आप सेवा कर सकते हो, बैठे बैठे आप औरों को परमात्मा से जोड़ सकते हो। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। त्याग करना और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। तपस्या है ही एक बाप दूसरा ना कोई, मतलब कि दूसरा किसी से कोई भी प्रेम सुख शांति, मेरा ख्याल रखे, मुझे देखे, मुझे पूछे, मेरे को रिस्पेक्ट करे, मेरे से प्यार से बात करे, ये सारी चीज़ों की कोई इच्छा नहीं है जिसकी उसकी उन लोगों के साथ में बुद्धि अटकनी, उसकी उन चीज़ों के साथ में बुद्धि अटकनी, उनकी बुद्धि अटकती है परमात्मा से। यही निरंतर की तपस्या करते रहो तो आपका सेवा स्थान तपस्या पूर्ण बन जाएगा। अगर हम इच्छा ना रखें सेवा करते समय, हम ये उनसे ये मिले, उनसे ये मुझे ये प्राप्ति, उनसे ये हो मुझे, तो ऑटोमेटिकली हम अपने सेवा स्थान को या अपने घर को हम ऐसी जगह बना सकते हैं जहाँ पे हर कोई जो भी आता है वो खुशी होकर के जाता है, सुखी होकर के जाता है, उसको ये नहीं लगता कि भैया यहाँ पे लेन देन हो रहा है कुछ। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ तो परवाने आप ही आएंगे, उनको ऐसी फीलिंग होगी, अट्रैक्शन होगी कि यहाँ पर बिल्कुल ही निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पे जाकर के मुझे शांति मिलती है, मेरा मन हल्का रहता है। नहीं तो फिर क्या होता है, जहाँ पे लोग इच्छा रख करके सेवा करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट होती है, मानसिक टेंशन होती है आपस में कि इसने कितना किया, मैंने कितना किया, इसने कितना दिया, मैंने कितना दिया। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएँ प्रत्यक्ष होंगी। माइंड की सेवा, अगर मन को हम पवित्र बनाएं, मन से हम सुख शांति फैलाएं चारों तरफ, तो ऑटोमेटिकली हमें ऐसी आत्माएँ मिलेंगी जो स्वयं भी शक्तिशाली होंगी और औरों के लिए भी वो मनसा सेवा करेंगी। अभी मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन करो, यही विधि है वृद्धि करने की। ये धरनी का परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, और मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन करना मतलब यानी कि आप प्रैक्टिकली फिजिकल धरनी का परिवर्तन कर रहे हो या जगह चेंज कर रहे हो, जगह को ब्यूटीफाई कर रहे हो, नहीं, मन को ब्यूटीफाई करना है, मन को परिवर्तन करना है, तो ऑटोमेटिक धरनी वातावरण एटमोसफियर वाइब्रेशन वहाँ की चेंज होंगी, यही परमात्मा चाहते हैं, तभी जाकर वृद्धि होनी है। ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी इसमें, और आप अपने घर को, अपने बिजनेस प्लेस को, अपने एनजीओ को भी आप ऐसा ही बना सकते हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी आत्माएं अट्रैक्ट होकर आएंगी और आपका बिजनेस, आपका घर, आपका हर कार्य सफल होगा। ओम शांति इसके साथ।